सो हे गाइस, तो भाई आज आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि भाई आज जो आप लोगों ने थंबनेल टाइटल में पढ़ा कि भाई अगर आप ऐसी बाइक ओन करते हो, अगर आप गांव के इलाके में रहते हो और अगर आप ऐसी बाइक ले लेते हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस होगी। क्योंकि यार मैं इस बाइक को पिछले 4 दिन से यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे जो प्रॉब्लम फेस हुई ना वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। और भाई ये मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये जो शहर में बंदे रहते हैं ना भाई उनको नहीं होगी, ये स्पेसिफिकली जो बंदे विलेज में रहते हैं ना भाई सिर्फ उनको ही ये प्रॉब्लम फेस होंगी। ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम भाई वो है कि बाइक का मतलब लो सर्विस नेटवर्क। कि यार इस बाइक के जो सर्विस सेंटर ना वो काफ़ी दूर हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, जो सबसे पास जो मेरा सर्विस सेंटर पड़ता है वो 12 किलोमीटर पड़ता है उसके। बट उसमें क्या है यार, वो जो सर्विस सेंटर है भाई उसकी रिव्यू अच्छी नहीं है। अगर मैं अच्छे रिव्यू वाले सर्विस सेंटर में जाना चाहूँ तो वो कम से कम मेरे यहाँ से 18 से 20 किलोमीटर पड़ता है। तो आप देख लो कि यार मुझे 40 किलोमीटर तो इस बाइक को सर्विस कराने के लिए आना जाना पड़ेगा। एंड भाई ये एक बुरी चीज़ है यार इस बाइक के बारे में कि अगर आप गांव में इस बाइक को ऑन करते हो तो। सेकंड प्रॉब्लम वो है यार इस बाइक की, आप इस बाइक को लेके इनसिक्योर रहोगे हमेशा। देखो यार आप इस बाइक को लेके जाते हो, ये बाइक कितनी आई कैसी है, एक बार इस बाइक की लुक्स पे नज़र डालो भाई। इस बाइक का जो ऑरेंज कलर ना इतना शाइन करता है, इस बाइक को कहीं भी खड़ी कर दो कहीं भी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस बाइक के बारे में आपको बंदे ना पूछें या फिर इसके बाइक को आप मुड़ के ना देखें। तो भाई ये प्रॉब्लम आपको इस गांव में फेस होगी, शहर में ये प्रॉब्लम फेस नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे ये बाइक्स आम है। बट गांव में अगर आप लेके आते हो एक 3 लाख रुपए की मोटरसाइकिल तो भाई गांव में वैसे ही बात फैल जाती है कि उसके बंदे के मतलब उसके लड़के के पास 3 लाख की मोटरसाइकिल है, हम भी देखें कैसी है। तो भाई जब भी आप कहीं इस बाइक को बाहर खड़ा करोगे, मार्केट में खड़ा करोगे, इवन आप इस घर के बाहर खड़े करो तो भाई बच्चे इसको छेड़ते हैं, फिर बड़े भी इस बाइक को मतलब देखने लग जाते हैं, यार बच्चे इस बाइक पर स्क्रैच मार सकते हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि अगर आप 3 लाख की मोटरसाइकिल लेते हो और बाइक पे एक स्क्रैच भी आप मतलब झेल सकते हो। तो भाई बिल्कुल नहीं, इस बाइक को लेके आप इनसिक्योर रहोगे हमेशा हर पल अगर आप इस बाइक को लेते हो गांव में। ठीक है, थर्ड वो यार इस बाइक के पार्ट्स पार्ट्स बहुत अनअवेलेबल हैं इस बाइक के अगर आप गांव में रहते हो। और इसकी बाइक की एक बार बता दूं, अगर आप इस बाइक को लेते हो अगर इस बाइक में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको सर्विस सेंटर में ही जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ के लोकल मैकेनिक इस बाइक को ठीक नहीं कर सकते हो। और मुझे लगता भी नहीं है कि कोई भी बंदा इस बाइक को लेके लोकल मैकेनिक से ठीक कराएगा। बट फिर भी अगर आप कोशिश भी करते हो तो भी आप नहीं करवा पाओगे क्योंकि बजाज की हीरो की यामाहा की बाइक्स को लोग खोल सकते हैं बट KTM's की बाइक को लोग नहीं खोल सकते। यहाँ पे जो मेरे यहाँ पे जो मैकेनिक्स हैं वो भाई इस बाइक को मतलब इस बाइक से दूर ही रहते हैं। एंड सेकंड, इस बाइक के जो पार्ट्स आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पे तो आपको स्पेसिफिकली सर्विस सेंटर में ही जाना पड़ेगा, चाहे इवन आपका एक छोटा सा ही पार्ट क्यों ना मिसिंग हो। एंड गाइस अब बात करते हैं नेगेटिव नंबर 4th की। तो भाई नेगेटिव नंबर 4th है भाई वो है इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस। भाई गाँव में आप लोगों को पता है जो बंदे रहते हैं भाई यहाँ पे ब्रेकर दुनिया भर के होते हैं, एक गली में 4-4 ब्रेकर बना देते हैं और आप मानोगे नहीं जेन्युइनली भाई सीधी की सीधी ईंट खड़ी कर देते हैं एक दो जगह। तो वहाँ पे तो यार ये बाइक जा ही नहीं सकती। यार मैं अभी इस बाइक को कहीं लेके गया था तो मैं दूसरी गली से घूम के गया क्योंकि वहाँ पे जेन्युइनली उस बंदे ने सीधी मतलब ईंट खड़ी कर रखी थी। यार मतलब पता नहीं कैसे लोग ब्रेकर बना देते हैं। तो भाई अगर आप इस बाइक को लेके चलते हो तो भाई आपको हर जगह रोक के चलना पड़ेगा, हर जगह देख के चलना पड़ेगा कि बाइक को लग ना जाए क्योंकि ये बाइक BS6 है। तो भाई आपको इसमें नीचे पार्ट्स दिए गए हैं जो कि और लोग इस बाइक को बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव नंबर 5 की। भाई ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी। देखो यार अगर आप इस बाइक को कहीं लेके जाते हो, पहले मैंने बताया ये बाइक बहुत आई कैसी है, तो इस बाइक को अगर आप कहीं खड़ी करते हो तो भाई बंदे आ जाते हैं, इस बाइक को छेड़ने लग जाते हैं, आपसे इस बाइक के बारे में पूछने लग जाते हैं, बोलते हैं कि भाई अगर आप गांव में रहते हो तो भाई यार दोस्त इस बाइक को मांगने लग जाते हैं कि यार हमें बाइक के पर चलाने दे, अगर आप नहीं चलाने देते हो तो भाई वो बुरा मानते हैं यार। फिर मतलब ये बात आपको हो सकती है कि यार आपको बात ये प्रॉब्लम कर सके क्योंकि यार अगर आपसे कोई बार बार इस बाइक के बारे में पूछे कि भाई कौन सी बाइक है, कितनी अच्छी बाइक है, मतलब कितने की है या फिर कितना माइलेज देती है, कैसी है, कौन सी है, यार आप एक पल आपको है ना ये लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, कुछ पल आपके लिए अच्छे, कुछ बार आपको अच्छा भी लगा कि हाँ मेरी मैंने पैसे खर्च किए तो आपको बाइक के बारे में लोग पूछ रहे हैं। बट अगर हर बार ये चीज़ होगी तो आप इस बाइक से मतलब इस बात से ऊब जाओगे यार, क्योंकि मेरे साथ 4 दिन में मेरे से कम भी 10-12 बंदों ने पूछ लिया है यार कि भाई कौन सी बाइक है, कैसी बाइक है, कितने की है, कौन सी है। तो भाई मैं सच बताऊँ मेरा ऐसा नेचर नहीं है कि यार मैं किसी चीज़ का शो ऑफ करूँ क्योंकि यार मैं इस बाइक को सच बताऊँ गाँव में मैं इस बाइक को यूज़ भी नहीं करता हूँ, बाहर जाना होता तभी मैं इस बाइक को लेके जाता हूँ, गाँव में मैं इस बाइक को नहीं निकालता हूँ, बस अभी वीडियो की शूट के लिए मैं इस बाइक को बाहर लाया हूँ। तो जनरली ये एक प्रॉब्लम है इस बाइक के लिए कि अगर आप इस बाइक को गाँव में ऑन करते हो तो भाई ये 5 मेजर जो प्रॉब्लम है जो भाई जो मुझे लगी इस बाइक के रिलेटेड अगर आप ऐसी एक प्रीमियम बाइक ऑन करते हो गाँव में।
तो भाई बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको ऐसा कोई पॉइंट मतलब पता है कि भाई आप अगर बाइक को ऑन करते हो गांव में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुई तो भाई वो भी नीचे जरूर शेयर करना। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।